अब हम माय अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आपको माय अकाउंट में मिलेगा। एक ऑप्शन मिलता है जेम्स साहा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जेम्स साहा। डी यू ऑप्शन फॉर जेम्स साहा, हमने यस किया है, सेव कर दिया है। सेव इसलिए होता है, साहा में बेनिफिट क्या मिलता है, मुझे जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं, ये ऑर्डर्स मान लो मुझे एक ऑर्डर मिला 9000 का या 9 लाख का, एक ऑर्डर मिला या 90 लाख का मिला, 1 करोड़ का मिला, पर मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है, क्योंकि हमें ये पैसा कब मिलेगा, डिलीवरी मुझे करना पड़ेगा, डिलीवरी होने के 45 दिन बाद, ना 60 दिन ना 2 महीने बाद मुझे इसका पेमेंट मिलता है। जनरली 45 डेज का टर्म्स रहता है कि 45 डेज में मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट में जनरली मिल जाता है 45 डेज में, अभी जेम में, पर ऐसा जरूरी नहीं कि 45 डेज में मिल ही जाए, तो टाइम लग सकता है। और मेरे पास इतना फंड नहीं है अभी इन्वेस्ट फंड में करने को, कि अभी मुझे मेरे पास एक 90 लाख का टेंडर मिला है और 90 लाख मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं ऐसे कंडीशन में क्या करूं, क्योंकि मुझे मार्केट से क्रेडिट नहीं मिलता है और मुझे यहाँ पे कोई एडवांस पेमेंट नहीं मिलता, डिलीवरी होने के बाद समय पे चेकिंग होगा, CRC जनरेट होगा, उसके बाद ही इसका पैसा मिलेगा, तो टाइम लगता है और मुझे ये खरीदना पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए और मेरे पास नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट से लोन ले सकता हूँ, मार्केट मतलब बैंक से। तो एक तो डायरेक्ट प्रोसीजर है कि वो वर्क ऑर्डर आप बैंक में लेके जाओ और उसके बेस पे बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड डायरेक्ट भी करती है, किसके बेस पे, आपके ऑर्डर के बेस पे, या फिर आप जेम्स साहा के थ्रू से भी जा सकते हो। जेम्स साहा का एक ऐप है, जेम्स साहा बोल के, वो ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको पहला ऑर्डर पे लोन नहीं देते, आपको एक ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ेगा, एक ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर से आप जेम्स साहा से लोन ले सकते हो। तो आपको ये एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप ये डाउनलोड करके फिर इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अकाउंट क्रिएट, यहाँ पे आपका वही ID पासवर्ड और GST नंबर मांगेगा, उसके बेस पे आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, जो भी ऑर्डर्स यहाँ पे मिला है आपको, जो ये ऑर्डर्स, तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर्स दिखना चालू हो जाएगा। जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से एक ऑर्डर्स मिला था हमें 1,15,00,000 रुपए का, तो कितना का, 1,50,000 का, 1,50,000 का मुझे ये ऑर्डर्स मिला। अभी इस ऑर्डर्स को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो जो भी ऑर्डर्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, तो मुझे इस ऑर्डर के अगेंस्ट में लोन लेना है, तो मैं डायरेक्ट जेम्स साहा से लोन ले सकता हूँ। ये ऑर्डर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट विंडो आपको बैंक बता देगा। यहाँ पे 4-5 बैंक लिस्टेड है, जैसे ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, IDFC है, ऐसे 3-4 बैंक आपको यहाँ पे लिस्टेड मिलेंगे, एक्सिस बैंक है, आपको यहाँ पे हर एक बैंक आपको बताएगा जी ये कितना अमाउंट का था, तो 1.5 लाख अमाउंट का PO है, वर्क ऑर्डर आपका 1.5 लाख का है, ये लोन कितना ऑफर कर रहा है, 1,05,000 आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट पे, तो 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो लोन आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 3,412 रुपया वो आपका इंटरेस्ट ले रहा है, कितने दिन के लिए, 90 डेज के लिए आपको लोन ऑफर कर रहा है।
90 डेज में आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आपको बायर से पेमेंट आए या ना आए, इंटरेस्ट का पैसा वो आपसे पहले ही ले ले रहा है। मतलब आपको जो डिपॉजिट करेगा इंटरेस्ट काट के ही आपको डिपॉजिट करेगा, तो आपका 1,05,000 पे 3,412 रुपया इंटरेस्ट काट रहा है, 1,01,588 रुपया आपको डायरेक्ट विद इन ए डे आपको ये पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद आप उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, 90 डेज के लिए लोन रहेगा, और बाद में आपको उनको ऐसे बैंक को जो ऐसे लोन रीपेमेंट करते हो ऐसे आपको यहाँ पे लोन आपको रीपेमेंट करेगा, या ऐप से भी आप डायरेक्टली रीपेमेंट करने का ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से भी आप लोन रीपेमेंट कर सकते हो। ये डिस्बर्स हो गया तो आपको यहाँ पे आ जाएगा और आपको विद इन ए डे आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो जाता है। ये जेम सहा काम करता है। बोलिए, क्लियर है? कोई डाउट्स है तो बताइए। ये तो क्लियर है। इसके अलावा जेम पर कई सारी पार्टियां कहती हैं कि इस पर जेम पे हमें जो हमें माल देंगे उसकी इनवॉइस भी अपलोड करनी पड़ेगी, वो कैसे करते हैं? वो तो अलग है, वो मैं आपको आगे ऑर्डर्स में बताऊंगा, अभी हम लोग खाली जेम साहा के बारे में बात करते हैं। क्लियर? अमित सर बोलिए। अमित सर, सर ये मेरा पहले का डाउट है, वो जो मैक्सिमम पेमेंट जो रिसीव आता है हमारे पास 45 डेज टू 60 डेज, 60 डेज इज मैक्सिमम सर, वो मेरा डाउट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, 60 डेज के बाद भी एक साल से भी पेमेंट नहीं मिला, एक एक साल से भी नहीं मिला, दो दो साल भी पेमेंट नहीं मिलता है। अच्छा, ओके, जनरली 45 डेज में मिल जाता है, पर ऐसा कोई गारंटी नहीं, डिले भी होता है, एक दो साल तीन साल भी जा सकता है। हाँ, कोई स्पेशल रीजन सर फॉर इसके लिए जिसका? वो तो बायर, अभी आपने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को माल सप्लाई किया, उसने वर्क ऑर्डर में लिखा कि मैं आपको 45 डेज में पेमेंट नहीं कर दूंगा। यस, अभी वो आपको एक साल से पेमेंट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? वर्क ऑर्डर में 45 डेज लिख रखा है, लिख के रहता है, तो सर हम लोग उस पर कुछ लीगल एक्शन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप एक प्राइवेट फॉर्म में, वही बोल रहा हूँ, एक प्राइवेट फॉर्म को आपने दिया और वो आपको एक साल से पेमेंट नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे उसके अगेंस्ट में? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पेमेंट छोड़ दोगे? नहीं, लीगल एक्शन लेंगे ना सर, पेमेंट। हाँ, तो आप यहाँ पर भी गवर्नमेंट, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है ना। यस सर, तो उसके साथ जैसा करेंगे आप उनके साथ वैसा कर सकते। ओके ओके, थैंक यू। सो प्लीज म्यूट कीजिए। अश्विनी सर, किस बीड में हमें कैटलॉग की आवश्यकता नहीं होती है? किस बीड में, मतलब बीओक्यू बीड में? बीओक्यू बीड। हिमांशु सर, सर ये एक बार रिपीट कर सकते हैं क्या वापस से? अगेन क्या? जेम साहा से रिलेटेड, जेम साहा आपका एक लोन देने का एक तरीका है, उसके पहले जो आपने बताया था ना, क्या से थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं कि ये लोन हमें क्यों लेना है और क्या है? क्या लोन आपके पास, यदि कोई ऑर्डर मिला और आपको पैसा नहीं है आपके पास तो आप लोन ले सकते हो। अच्छा, बट उसके आपका एक ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, पहले एक पहला ऑर्डर पे लोन नहीं मिलता, दूसरे ऑर्डर से आप लोन ले सकते हो। अब मान लीजिए मैंने डायरेक्ट परचेस में 24,000 वाला ही मेरा एक ऑर्डर था, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम, तो भी चलेगा, मिनिमम एक कुछ भी चलेगा, एक ऑर्डर होना चाहिए। ओके सर। ओमकार सर, सर ये जो लोन देते हैं वो कौन से बेसिस पे देते हैं? कुछ आपके ऑर्डर, ऑर्डर जो ये ऑर्डर मिला है ना, ऑर्डर के बेस, यानी हर एक जेम यूजर को देते लोन? हर एक जेम यूजर को नहीं है सर, ये लोन पहले से बैंक में, मतलब आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, आप अमेजन में भी डील करते हो, मान लो कोई सामान अमेजन पे बेचते हो, आपको अमेजन से एक बड़ा ऑर्डर मिला, तब भी आप वो ऑर्डर का कॉपी बैंक में ले जाके आप बैंक से लोन ले सकते हो, पहले से ही ऑफर अवेलेबल है, सिर्फ गवर्नमेंट ने, जेम ने इसको इजी बना दिया, आपको बैंक नहीं जाके लोन करने का प्रोसेस कर दिया। लेकिन सर डॉक्यूमेंट तो लगते होंगे ना? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ ऑर्डर को, ऑर्डर के कॉपी के बेस पे लोन दे। हाँ, वही बोल। हाँ, ये ऑर्डर मिला ना तो ऑर्डर का कॉपी, क्योंकि पता है गवर्नमेंट आपको पेमेंट आज नहीं तो कल आपको गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। हाँ, ये उनको पता ही है।
सिर्फ एक कंडीशन है कि एक ऑर्डर होनी चाहिए। हाँ, पहला ये पहले ऑर्डर पे लोन नहीं देता। ठीक है, ओके। और सर इसकी क्या लिमिट? क्या लिमिट मतलब? मतलब ज्यादा अमाउंट रहा तो 10 लाख 20 लाख? वो ऐसा कुछ नहीं, जितना भी होगा ऑर्डर के बेस पे लोन दे देती। ओके सर। वो आपका प्रोफाइल भी चेक करता है, उसके हिसाब से आपको लोन का अमाउंट आ जाएगा। जैसे देखो 1.5 लाख का अमाउंट था तो आपको 1,05,000 लोन बता रहा, तो हो सकता है आपका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, आपको वो 60,000 भी लोन ऑफर कर सकता है, लोन ऑफर करेगा। सर का एक है